दोस्तों YouTube से कॉपी पेस्ट करके बहुत ही आसानी से आप लोग 2 से 3 लाख रुपए आराम से महीने के कमा सकते हो, क्योंकि ये तरीका मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ और खुद इतने पैसे हर महीने कमा लेता हूँ। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, और मेरा नाम है यश। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। बहुत ही चैलेंज होता है YouTube पे ग्रो होना, और अगर एक बार आप ग्रो हो गए तो ग्रो होते ही रहते हो, आपके चैनल को बूस्ट मिलता ही जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत से वीडियोस होते हैं जिसमें फेस नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही एक तरीका है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। उसमें कोई मेहनत नहीं होती, ना कोई एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग होती है, बेसिक लेवल की होती है, मतलब उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मोटिवेशनल वीडियोस की। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे आप मोटिवेशनल डालोगे या मोटिवेशन डालोगे तो आपके पास लाखों में वीडियोस आ जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले रही है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ इन पे आ रही है। तो इतने सारे व्यूज़ इसलिए आता है क्योंकि हर किसी को मोटिवेशनल की ज़रूरत होती है। जिम वालों को, रनिंग वालों को, बिजनेस वालों को, डांसिंग वालों को, अपनी जो जनरली अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई अकेला है, उन सबको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी रहती है यूट्यूब पे, और व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, बल्क में व्यूज़ आपको मिलते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको सिंपली कैसे हम एक मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो नंबर वन पे हम चलते हैं कि हमें बैकग्राउंड वीडियो कहाँ से मिलेगी, क्योंकि बैकग्राउंड वीडियो हम शूट नहीं कर सकते हैं, हमें कहीं से लेनी होगी। तो कॉपीराइट फ्री हमें वीडियो कहाँ से मिलेगी? तो गूगल पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको कॉपीराइट फ्री वीडियोस फ्री में प्रोवाइड करते हैं। उनके कुछ पेड वर्जन भी होता है, पेड वर्जन आपके बाद में ही उसमें आएंगे जब आपकी वीडियोस ग्रो होने लग जाएंगे, आपका चैनल जो है वो ग्रो होने लग जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, पिक्सबे, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और ऐसी बहुत सी वेबसाइट है, मैं आपको उसके नाम यहाँ दिखा दूँगा, आप वहाँ से वीडियोस ले सकते हैं। तो आप लोग इन वेबसाइट से अपनी बैकग्राउंड वीडियोस ले सकते हैं, क्रेडिट देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सी वेबसाइट होती है जो आपसे क्रेडिट मांगती है, तो सिंपली वहाँ लिखा होता है, तो क्रेडिट कैसे देना वो आप कर सकते हो, नॉर्मल है। तो दोस्तों सेकंड चीज़ आ जाती है कि आप स्टोरी कहाँ से लेंगे, मोटिवेशनल कोट कहाँ से लेंगे। तो इसका भी सिंपल सा होता है, सिंपल सा तरीका है, गूगल पर आपको सर्च करना है हिंदी बुक समरी। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मोटिवेशन कोट मिल जाते हैं, स्टोरीज मिल जाती है जो कि आप पढ़ सकते हो। वो थोड़ी लंबी रहती है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसे शॉर्ट करके सामने वाले को सुना सकते हो। जो आपके व्यूवर्स होंगे उन्हें आप सुना सकते हो एक मोटिवेशनल वाली आवाज़ से। आपको सिर्फ अपनी आवाज़ जो है वो गहरी करनी है और कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब नॉर्मली अपना वॉइस ओवर कैसे कर सकता हूँ। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ऐप्स बताते हैं कि ये करो, लेकिन बेसिक चीज़ है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको आपको काइनमास्टर खोलना है, काइनमास्टर में अपनी जो बैकग्राउंड वीडियो है उसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, साइड में आपको राइट हैंड में रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आपको एक माइक ले लेना है, बोया का माइक ले लीजिए, या खाली मोबाइल से कर सकते हो। अगर मोबाइल से आपको करना है तो बिल्कुल शांत जगह में आपको वॉइस ओवर करना होगा, जिससे आपके नॉइस ना जाए, ना कोई नॉइस आए। अगर आपके पास माइक है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, वैसा मोबाइल से भी कर सकते हो, मोबाइल में क्वालिटी सही आती है, शुरुआत के लिए सही है। फिर आपके जो वीडियोस हैं वो बहुत जल्दी बूस्ट होने लग जाएंगे, जिससे आपकी अर्निंग होगी और आप अच्छा खासा माइक परचेज कर सकते हो। तो आपको काइनमास्टर ओपन करना है, काइनमास्टर में अपनी वीडियो अपलोड करनी है और उसमें वॉइस ओवर कर देना है। वॉइस ओवर के लिए आपको थोड़ी गहरी आवाज़ लगनी पड़ेगी, और वॉइस ओवर के लिए मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी सेटिंग्स काइनमास्टर में मिल जाती है। उसमें रिवर्ब का भी ऑप्शन होता है, उस इफेक्ट का भी ऑप्शन होता है, काफ़ी ऑप्शन होते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इन ऑप्शंस की तो नॉर्मली, क्योंकि मैं भी खाली मोबाइल से करता हूँ। ये पे माइक है आप देख सकते हैं, फिर भी मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। अब मैं ऐसे फेस ओवर जो वीडियो बनानी होती है उसके लिए मैं माइक यूज़ करता हूँ,
मेरे पे वायरलेस माइक है। तो दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली अपलोड करना है अपनी वीडियो। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है आपका थंबनेल। थंबनेल के लिए आपको एट्रैक्टिव थंबनेल बनाना पड़ेगा जो आपके व्यूवर्स है वो देखे और एकदम क्लिक कर दे। उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको साइड में दे देता हूँ थंबनेल आपको किस टाइप का बनाना है। तो इस टाइप के आप थंबनेल बना सकते हैं। मुश्किल से 5, 6 या 10 वीडियोस में आपको दिक्कत होगी थंबनेल बनाने में। फिर उसके बाद आप थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्लिकबैक वाला बना सकते हो, एकदम क्लिक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलने वाला है। क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, तो आप भी ये कर सकते हो क्योंकि मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। तो आप नॉर्मली एक मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हो जिसपे आपका कॉपीराइट का स्ट्राइक भी नहीं आने वाली ना कुछ आने वाला है। नॉर्मली आप बहुत आराम से अपना 4 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर आप आराम से पूरे कर सकते हो। तो और फोर्थ चीज़ ये आती है आपको अपने YouTube चैनल का नाम कुछ ऐसा रखना है जो आप मोटिवेशन कोट बना रहे हो उसके रिलेटेड हो। क्योंकि मोटिवेशनल में भी कई सारी नीचीज़ होते हैं, जैसे आपका जिम नीचीज़ हो गया, ठीक है, वेट लॉस हो गया, आपका बिजनेस का हो गया, ऐसी कई सारे नीचीज़ आते हैं। आपको एक नीचीज़ पे रखना है, एक नीचीज़ पे रखिए, या आपको मल्टीपल्स पे रखना है मल्टीपल्स पे रखिए, लेकिन आपको अपने चैनल का नाम बहुत ज़्यादा अच्छा रखना पड़ेगा, अट्रैक्टिव रखना पड़ेगा कि चैनल का नाम भी देखते हैं जो व्यूवर्स होते हैं आपके, वो चैनल का नाम देख के भी आते हैं इस कैटेगरी में। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।